क्या मैं वो लेटर देख सकता हूँ प्रताप? हाँ देखो महेंद्र, और पढ़ के भी सुनाओ ताकि श्रीपाद और मैं वो फिर से सुन सके। ये लो। लेटर में लिखा है, आई एम मिस्टर सुप्रियो दत्ता, द हेड ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ ACCS कैंपस, wants to resign from my celebrated and lovable post from today onwards. The decision is taken with a lot of thought process over the last few months, and hence it is of final nature. It was wonderful time with ACCS family. To share, learn, develop several thousands of things to benefit our ACCS family and its students than me only. I'm thankful towards you all for giving me such freedom and helping me to enjoy such a wonderful journey with ACCS. Thank you all. The sole reason for my resignation is my personal issues in my life. From last few years, these personal issues have grown so big now that I need to spend my rest of the time to deal with them. And hence, I am taking this decision and writing this letter to you. I once again thank all of you. With this letter, I assume my resignation is accepted. And from 3 months from this date, after serving my necessary notice period to tie some loose ends, I will say goodbye to this wonderful institution. Sorry for my decision and inconvenience caused due to it. But after a lot of thought process, I have no option but to go for it. Yours faithfully and always a true well-wisher of ACCS, Supriyo Chandidas Datta. Aur date likhi hai 20 dino pehle ki. Address, naam aur sign ke saath. तो महेंद्र और श्रीपाद, क्या लगता है इस लेटर को पढ़कर आप लोगों को? लेटर का मैटर तो एकदम जनरलाइज है। इसमें रेजिग्नेशन का रीज़न पर्सनल मैटर को बताने के अलावा कुछ और ख़ास जिक्र नहीं किया है उसमें। और महेंद्र तुम? मैं डेट, एड्रेस, नाम और साइन को भी देख रहा हूँ मैटर के अलावा, लेकिन वो भी सब ठीक ठाक है। मैटर में सबसे ज़्यादा तो हर जगह पे ACCS की तारीफ ही की है सर ने, और बात आके फिर उनके पर्सनल इशू पे आके रुकती है। लेकिन वो पर्सनल इशू क्या है ये हम अब भी तो नहीं जानते, या फिर वो पर्सनल इशू सामने होकर भी हम उसे देख नहीं पा रहे। लेटर में साफ साफ लिखा है कि ये सडन डिसीजन नहीं है उनका, बल्कि महीनों से वो इस डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं। और जब सुप्रियो सर जैसा इंसान अगर कुछ महीनों तक सोचकर एक बड़ा डिसीजन ले रहा है तो उसे पलट देना अब तो लगभग नामुमकिन होगा प्रताप। हाँ महेंद्र, सही कहा। मैंने उस दिन ये लेटर पढ़ने के बाद भी उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने बात पर कायम रहे। मैंने उन्हें हमारे इतने सालों की सुख दुख की साझेदारी के बारे में भी बताना चाहा। ACCS के साथ साथ उन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ की उलझने भी सुलझाने में मदद की थी, वो भी मैंने कहा उनसे। लेकिन उन पर इन बातों का कुछ असर नहीं हुआ महेंद्र, वो अपनी बातों पर कायम रहे। और इस लेटर के साथ साथ आगे आने वाले एक बड़े खतरे की तरफ उन्होंने इशारा किया मेरी तरफ। तब से लेटर मैं 20 दिनों से पढ़ रहा हूँ, लेकिन अब तक मुझे कोई क्लू नहीं मिल पाया। इसीलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए मैंने आप दोनों की मदद लेना सही समझा और फिर यहाँ बुला लिया तुम दोनों को। सही किया प्रताप, बात सच में बहुत ज़्यादा उलझी हुई है, इसे सुलझाने में वक्त तो लगेगा ही। तुम क्या कहते हो महेंद्र? 3 चीज़ें हैं यहाँ पे प्रताप जो मुझे फ़िलहाल दिख रही है। पहली, ये उनका डिसीजन उन्होंने महीनों महीनों सोच के लिया हुआ है, जिसका मतलब एक अरसा हो चुका है
किसी बात को लेकर, जिससे उनको ये एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो प्रताप, हमें ये सोचना होगा कि पिछले कुछ महीनों में ACCS को लेकर या फिर उनके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को लेकर ऐसी क्या बातें हो रही थी जिससे ये नौबत आई। पिछले कुछ महीने और शायद 2-3 सालों की घटनाओं के बारे में हमें रिवाइंड करके सोचना होगा। दूसरी बात, रिज़ाइन का कारण पर्सनल रीज़न बताया है, तो प्रताप शायद तुम्हें उनकी फैमिली या फिर कोई रिश्तेदार से बात करनी होगी कि ऐसी क्या पर्सनल वजह हो सकती है जिसने हमारे सर को इतना परेशान कर रखा है। और तीसरा, हाँ महेंद्र बोलो आगे, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारी बात सुन के कुछ लिंक लग रही है इस परेशानी की। तीसरी बात यह है प्रताप कि सुप्रियो सर एक जीनियस केमिस्ट्री प्रोफेसर हैं। ACCS जैसे एक बड़े इंस्टीट्यूशन का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट सालों से हेड कर रहे, बहुत सारा रिसर्च, न्यूज़पेपर कॉलम्स और सेमिनार्स किए हैं उन्होंने केमिस्ट्री में कॉलेज के काम को संभाल कर, तो वह एक जीनियस आदमी ही इतना सब कुछ कर सकता है। एक प्रोफेसर या केमिस्ट्री हेड से कहीं ज़्यादा उनका योगदान रह चुका है इस फील्ड में, इसलिए एक जीनियस आदमी अपने जीनियस दिमाग की मदद से कुछ सीक्रेट बात इस लेटर के ज़रिए हमें बताना चाहता होगा जो हम एक सहज दिमाग से नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें कुछ अलग सोचना होगा इस लेटर का तोड़ निकालने के लिए। फिलहाल तुम एक काम करो प्रताप, हम तीनों के पास इस लेटर की 2-2 कॉपीज दे के रखो। इसे बार बार पढ़ना होगा या फिर सूरज की रोशनी या फिर मोमबत्ती की फ्लेम पर रख कर देखना होगा कि कोई सीक्रेट राइटिंग तो नहीं है, या फिर सिर्फ उस लेटर के मैटर में अगर कोई क्लू है तो हमें वो बार बार पढ़ते रहना होगा। तुम इस ओरिजिनल लेटर की कॉपी संभाल के रखना प्रताप, और इसकी 6 कॉपीज बनाओ हम तीनों के लिए। हम वक्त निकाल कर इसे पढ़ेंगे और फिर हम अगले हफ्ते मिलते हैं, कुछ क्लू मिला तो ही। सही कहा कीर्तिकर सर, ये सही होगा। हम तीनों मिल के अपने ताज़ा नज़रिए से इस लेटर को बार बार पढ़ेंगे, अलग अलग एंगल के ज़रिए, और अगर कुछ क्लू मिले तो अगले हफ्ते फिर से यहीं मिलेंगे। हाँ श्रीपाद, ज़रूर।
एक अच्छी एक्सरसाइज होगी हमारे लिए, और शायद हम लकी रहे तो हम कुछ ढूंढने में कामयाब भी हो पाएंगे। लेकिन हम अगले हफ्ते यहाँ नहीं, महेंद्र के ऑफिस में मिलेंगे। श्रीपाद, मैं महेंद्र को बार बार यहाँ बुला के खामखा परेशान नहीं करना चाहता। हाँ प्रताप, परेशान तो मुझे तुम करते ही हो हमेशा, इतनी कम बार जो मिला करते हो आजकल। भाई दोस्त है हम, कभी तो एक कैजुअल विजिट करो, हंसने के लिए, कुछ पल जीने के लिए, पुराने किस्से सुनने या सुनाने के लिए मिलो। लेकिन तुम मिलते ही नहीं हो, बहुत बिजी हो, और हम यहाँ आना चाहते हैं तो ये भी तुम्हें परेशानी लग रही है। ऐसा नहीं है महेंद्र, और ये तुम भी जानते हो दोस्त। हाँ बिल्कुल, और जैसे तुम चाहो, अगली मीटिंग हम मेरे ऑफिस में रखते हैं। इस बात को डिस्कस करने के साथ साथ पुराने किस्सों में भी खो जाएंगे। लेकिन भाई वक्त निकाल कर आना तुम दोनों, शॉर्ट विजिट नहीं होनी चाहिए ये। मुझे भी तो तुम लोगों की मेहमान नवाजी करने का मौका मिलेगा, क्यों श्रीपाद, बराबर ना? सही कहा कीर्तिकर सर, हम ज़रूर आएंगे, और एक अच्छा वक्त बीतेगा, और साथ में इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन भी हम साथ में ढूंढ पाएंगे। ज़रूर ज़रूर महेंद्र और श्रीपाद, मेरे शब्दों को प्रमाण मानकर यहाँ आने के लिए धन्यवाद, और थैंक्स मेरी एक बड़ी उलझन को सुलझाने में मेरी मदद करने के लिए। अब एक नया फ्रेश नज़रिया मैं भी ढूंढ पा रहा हूँ, एक नया विश्वास जागा हुआ है इस डेड एंड से निकलने के लिए। देखते हैं आगे क्या हो सकता है हमसे। डोंट वरी प्रताप, कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे हम सब। चलो फिर मैं चलता हूँ, आगे एक मीटिंग है हमारे यहाँ, गेस्ट भी आते ही होंगे। जी ज़रूर ज़रूर महेंद्र, मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। और बताओ अपने सुबोध का क्या चल रहा है आजकल महेंद्र? कौन सुबोध? मेरा बेटा। तुम जानते ही हो प्रताप कि वो एक मस्त मौला इंसान है, हमेशा अपनी ही मस्ती में झूमता रहता है। मेरी कंपनी का सीईओ बनने के बाद उसने अपनी जिम्मेदारियां इतनी बखूबी निभाई है कि कंपनी को वो वक्त देने से ज़्यादा अपने आर्ट और पेंटिंग्स में खोया रहता है। कंपनी के मैटर्स तो वो चुटकियों में सॉल्व कर देता है, जिसको मुझे खुद को सुलझाने में कई दिनों लग जाते हैं, इतना क्रिएटिव दिमाग है उसका। और बचे हुए समय में आर्ट के साथ साथ ट्रैवलिंग फोटोग्राफी में मस्त रहता है वो। उसे देखकर लगता है कि एक तरोताज़ा झूमती हुई जिंदगी मेरे सामने मुझे दिख रही है। कंपनी का बहुत सारा भार उसने खुद एफर्टलेसली संभाला हुआ है, मुझे कुछ परेशानी उठाने नहीं देता वो। सच में खुशकिस्मत हूँ मैं। हाँ महेंद्र सही कहा, इंडस्ट्रियल फील्ड में आज सुबोध का बहुत बोलबाला है, हर कोई उसके नए विचारों और नई सोच का दीवाना होते हुए दिख रहा है। हम बुजुर्ग तो अब अपनी लिमिटेड सोच में ही उलझे रहते हैं, लेकिन ये हमारे युवा तरोताज़ा दिमाग के चलते हमसे हमेशा कहीं ज़्यादा आगे हैं महेंद्र। अच्छा लगा सुबोध के बारे में जानकर, मेरा प्यार देना उसे। जी ज़रूर प्रताप ज़रूर, चलो मैं अब इजाज़त लेता हूँ, हम अगले हफ्ते मेरे यहाँ मिलते हैं, एक सही वक्त पर जो हम तीनों को सूट हो। तुम श्रीपाद को साथ में लेकर आना, हम इस पहेली को ज़रूर सुलझाएंगे, और साथ साथ एक अच्छा वक्त बीतेगा पुरानी यादों में। हाँ ज़रूर महेंद्र ज़रूर, चलो बाय प्रताप, बाय श्रीपाद, मिलते हैं। हाँ ज़रूर, बाय महेंद्र, बाय। क्या कहते हो श्रीनिवास, क्या लगता है रवि की बैटिंग देखकर? लाजवाब क्रिस भाई लाजवाब, उसका नॉक तो मुझसे भी बेहतर था, क्या खेला वो कल। आफ्टर हैविंग अ टी ब्रेक फॉर अ वाइल व्हेन वी रिटर्न टू द ग्राउंड द मैच वाज ओवर जस्ट इन 6.5 ओवर्स।
That too for the target of 132. Amazing. What a focus he has shown, Chris bhai. No rash shot, no slog, only pure shots. All on good placement and timing. Well said, Shri. That is why he is our champion in 8 overs cup for our ACCS blasters from last 3 years. I have seen this boy coming to good lengths. His hunger is so good that he doesn't remain satisfied on one single achievement. He multiplies them to make it big. Wonderful boy he is. Very much to learn from you guys. I have great scope to make improvements just by seeing you people only. Wonderful company. What? You're learning from us? Are you joking or what? Yes, few adjustments here and there, but you are far more better than us, Shri. Even as a newcomer, me, Shahid or Ravi were not so smooth like you, the way you are doing it. I feel you are much more ahead than us. The only thing I would say, you should maintain this ahead and multiply your skills to become better each day. Me, Shahid or Ravi have made it big in college just because we were able to maintain our talent and hard work. That's it. And rest is history. We are now undoubted and unchallenged champions of 8 overs cup from last 3 years. Last year we celebrated our dominant hat-trick with a bang. All are looking towards our ACCS campus for inspiration to excel in all sorts of fields, be it like studies, sports, events, competitions or anything else. Good that I am part of this celebrated time. Lot to learn, lot to improve and lot to come good as an individual. Sahi ka Chris bhai, truly said. The day I entered in ACCS, I found these positive vibes in this environment. Every person I'm meeting is some sort of inspiration for sure. I guess ACCS has applied right cultural values in students. They do stay strong and flexible at both good and bad times. Lot to learn from here. I like this well-balanced grasping power of yours, Shri. It is good for you. No one can teach you all your life, but it is our own grasping power that keeps you learning all time. So do cash on it. It will help you to achieve greater heights. Hey, thanks Chris bhai. Great help. Kuch socha aage ke matchon ke bare mein? Shahid ko kaise tackle karenge? Ravi aur Ishwar ko kaise rok payenge? Apne weaknesses ko kaise cover karna hai ye sab? Nothing now. These all players are so good that even if you find their weaknesses, they do bounce back in their next matches. Shahid ko dekho, Ravi aur Ishwar ko hi dekh lo. Unhe apna game pata hai. Aur kya karna chahiye ye bhi. 8 overs cup mein ACCS Blasters ka kaptan hona ek garv ki baat hai mere liye. Jyada kuch karna nahi padta mujhe. Sirf in logo ko ek sahi mahol bana ke diya. तो ये सब अपने आप ही अपनी जिम्मेदारी निभा लेते हैं और फिर बचा हुआ काम मैं कर लेता हूँ अगर कोई इनमें से फेल रहा तो बस मेरा काम तो इतना ही है. इट इज़ नाइस टू लर्न लीडरशिप क्वालिटीज फ्रॉम यू क्रिस भाई. यू डू अ लॉट फॉर आवर टीम. स्टिल यू आर सेइंग यू आर डूइंग वेरी लिटिल. सो हम्बल यू आर. सी श्रीनिवास, captaincy or leadership is not what you do as a normal player. As a player, you do have limited things to do. But at leadership role, you do need to see a lot of things. Every simple and minute thing. You need to look after all 10 players as the way they are. Like every lock has every different key. And in return,
these players perform so well that you hardly have to do anything. You need to just understand them. सही कहा क्रिस भाई, लेकिन अभिजीत और अवधूत के फेलियर्स को आप कैसे देखते हो? क्या इतने बड़े बड़े सेटबैक्स वो ओवरकम कर पाएंगे? आज हर कोई उन्हें पीट रहा है, तो आप उनका कॉन्फिडेंस उन्हें कैसे वापस दे सकते हैं? वेरी सिंपल श्रीनिवास, टाइम इज अ ग्रेट हीलर. लेट देम हैव देयर ओन फ्री टाइम. लेट दिस वाउंड्स गेट हील्ड प्रॉपरली. हैव देम अ क्रैकिंग नेट सेशंस बिफोर द 8 ओवर्स कप. एंड मोस्ट ऑफ ऑल लेट देम रिमाइंड वॉट दे आर एंड वॉट दे हैव डन इन द पास्ट फॉर द टीम एंड अंडर विच क्रिटिकल सिचुएशंस. इट इज जस्ट अ टाइम गेम. अ गुड रिदम बैक एंड यू आर बैक इन द बिजनेस. आई लाइक द आइडिया ऑफ मिश्रा सर फॉर कैप्टनसी. ड्यू टू दीज प्रैक्टिस गेम्स वी हैव 3 different teams विद 3 different captains. सो आवर कैप्टनसी एक्सपीरियंस इज ग्रोइंग. जस्ट इमेजिन we have 3 well-experienced captains in the team, and if anyone gets injured at critical time, others could step in to do the job for our team. That is the idea. Yeah, I heard about your injury in last year's 8 overs cup. You were not well before the semifinals, but still stood in the team as captain. What is that story? I need to hear. We'll be right back.